राजकुमारी पद्मा, तो क्या सेनापति प्रशांत को इतना बेवकूफ समझती है कि मैं तेरे कहने में आकर अपने सम्राट प्रभात सिंह का खून कर दूंगा? नाय पद्मा नाय, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पद्मा, हमने तो सिर्फ तुझसे झूठी मोहब्बत इसलिए किया था क्योंकि मुझे उस कैद खाने से आजाद होना था। और देख पद्मा, अब ये सेनापत प्रशांत उस कैद खाने से आजाद हो गया है और अब मैं ये विजयनगर छोड़कर आज से जा रहा हूं। लेकिन पद्मा, जो चाल तू चल रही है वो चाल तेरी कभी कामयाब होनी नहीं दूंगा मैं। तूने क्या सोचा था कि मेरे हाथों से महाराज का खून करवाएगी? और मेरे हाथों से महाराज का खून होगा, मैं महाराज के खून के इल्जाम में पकड़ा जाऊंगा और फिर मुझे फांसी हो जाएगी। मतलब कि तू एक तीर से दो दो शिकार करना चाहती थी, मेरे हाथों से महाराज को मरवाना चाहती थी और महाराज के खून के इल्जाम में मुझे फांसी दिलाना चाहती थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल आजाद हो गया हूँ और ये विजयनगर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ पद्मावती। परंतु इतना याद रखना, जिस दिन मैं इस विजयनगर में लौटकर वापस आया, इस विजयनगर में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आग ही आग नजर आएगी। राजकुमारी पद्मा, अफसोस सिर्फ इस बात का है, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरे चले जाने के बाद मेरी बेटी निशा इस विजयनगर में अकेली रह जाएगी। उसका इस विजयनगर में कोई नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे सिवा हमारी बेटी का कोई नहीं है। लेकिन मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा और अपनी बेटी निशा को आज मैं भगवान के सहारे छोड़कर जा रहा हूं। हे भगवान, चाहे तो मेरी बेटी को जिंदगी देना, चाहे तो उसे मौत देना। अब उसकी जिंदगी और आबरू तेरे हाथों में है भगवान, तेरे हाथों में है। पद्मा रानी, तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे यार लील गाय यार। अभी पागल, हम यहाँ लील गाय का शिकार करने आए? हमें शेर का शिकार करना है। शेर? हाँ, शेर बाघ चीता। और हाँ, हम इतनी दूर निकल आए लेकिन कोई शिकार अभी नजर नहीं आया। चलो भैया, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। आओ जाओ। भैया, राजकुमार को क्या हो गया भैया? प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। पानी, आह पानी। यार, ये तरह का जंगल, ये बियाबान जंगल है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पानी कहाँ मिलेगा? तो तुमसे साले कहा था कि एक खचुली पानी ले लियो। साले खचुली कहाँ पानी आई? खचुली कहाँ पानी आई? ओ यार, खचुली पानी कहाँ है? ए भैया, बुलेट, वो एक झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। वो झोपड़ी दिखाई दे रही है और चिराग जल रहा है, दिया। चलते हैं वहाँ, हमको लगता है कोई में कोई होगा। हाँ चलते, इसलिए वहाँ तक चलते हैं और वहाँ पानी मिलेगा जरूर। हाँ चल भैया, चल चल, चल, चल राजकुमार के पकड़। राम राम भैया।
मैं एक बदनसीब इंसान, मेरा नाम राघव लोहार है और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं दोनों आंख का अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे साथ मेरी बेटी रहती है और हम दोनों इसी झोपड़ी में रहते हैं और किसी तरह से लोहे का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। और उस परमपिता परमेश्वर से, उस भगवान से यही कहता हूं कि हे ईश्वर, इंसान को चाहे जितना बड़ा गम दे दे, चाहे जितना बड़ा कष्ट दे दे, लेकिन इंसान की आंखों की ज्योति ना छीने, इंसान की आंखों में रोशनी नहीं तो इंसान का जीना बेकार है, बेकार है। क्या करे भगवान, किसी तरह से अपनी बेटी के साथ इसी झोपड़ी में रहकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। और नैन बिना नैन बिना सुख चैन नहीं है, नैन बिना सुख चैन नहीं है, पग पग बिखरे हैं कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। नैन बिना सुख चैन नहीं है, पग पग बिखरे हैं कांटे, कौन मेरा दुख बाटे। सूरज चंदा दूर बसे हैं, कैसे आऊं पास, सूरज सूरज चंदा दूर बसे हैं, कैसे आऊं पास। गंगा मैया गंगा मैया पास बुला ले, गंगा मैया पास बुला ले, कब से खड़ा हूँ तेरे घाटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख। नैन बिना सुख चैन नहीं है, नैन बिना सुख चैन नहीं है, पग पग बिखरे हैं कांटे, कौन मेरा दुख बाटे, कौन मेरा दुख बाटे। भैया काफी समय हो गया है और आज काम भी ज्यादा है, मैं अपनी बिटिया कंचन को बुलाऊं ताकि वो घन चला दे और कुछ कुछ सामान तैयार कर दिया जाए।
अरे बिटिया कंचन, क्या बात है बिटिया? बिटिया कंचन, हाँ आ गई? हाँ मैं आ गई। देखो बिटिया आओ, रोज की तरह आज काम कुछ ज्यादा है, इसलिए थोड़ा मेहनत कर दो, घर चला दो, ताकि हम कुछ सामान तैयार कर सकें। ठीक है बापू। हाँ आओ बिटिया, हमें ले चलो। बिटिया कंचन आओ, घन चलाओ बिटिया। जरा कायदे से मारो। अरे वो काका, काका। हाँ भैया। दुकान लगाए हो? हाँ भैया दुकान तो लगी है। हो आई? अरे काम हो तो आवक, नहीं का करे भैया? नहीं काम है तो आवा भैया। ते एक कुल्हड़ा पीट दे। अच्छा भैया ले, आ गई। ला भैया ले ले, पीट दे जल्दी। तनी प्रधान जो है ना, प्रधान किया कुछ कारज है, और ये गंगा कैसेट वाले दिल्ली वाले भैया आए नेवते हैं, तई के लकड़ी चीरे कहते पीट देव जल्दी। लाओ भैया लाओ, ले पकड़ो लाओ। अरे कहाँ दे रहे हो, हाथ में दो, जानते हो कि दिखाई नहीं पड़ता। हाँ मुला लोहरवा अंधर है यार। ले जल ले ले ले, पीट दे जल्दी, कह देव काका ओ जल्दी चले जाई। अरे अब तो परवे पिटाए के लई गई ने, लहरवा के पास लड़की जवान है, यही के चक्कर माई तो है, शायद पटिन जाए। ओ बच्चा, ओ तुम श्री राम है कहा बिटवा? कहो तुमका दिखात है कहा? नहीं बच्चा दिखात तो नहीं हो। तो फिर कसा जान गए कुल हर वो सी माल माल पानी आई। अच्छा माल पानी है कहा? हाँ हाँ, ये अब अंदाज लाग गा तो? बच्चा हाँ तुमका दिखा तुमका ना, नहीं बच्चा हाँ नहीं दिखा तो है, यह कुल्हरवा से अंदाज लगावा हो बच्चा, ए तरह के कुल्हरा हाँ। तुम्हारे लिए चल सकत है बच्चा। देखो साला क्या कह रहा, जाओ ना आंधर आंधर धुंधर हो साल ना, ये साल बड़े धोखी होते, कहा तो इस तरह के कुल्हरा तोहरे के लिए चल सकल, कहो तोहरे किए नहीं चल सकत कहा? अरे बच्चा जब हम हमारे लिए हमारे दिन कुल्हरा चले कहा है तो तुम्हारे यहाँ काहे भिजवाई है? हाँ यही बात ठीक है, तो जल्दी काका पीट दे। ए बच्चा हाँ काका, बिटवा आज तो न बन पाई हो, कहे ऐसा है कुछ काम ज्यादा है हाँ। काम बना के रखे रहा और कल ले जाओ आके। अरे पीट देते आधा घंटा में दो घंटा बैठन। नहीं तो एक काम करो ना बिटवा, तुम चले जाओ, एक काम बना के रखे रहा फिर ले जाओ। अच्छा ठीक है, जल्दी कह दी हो काका। हाँ ठीक है मैं का बना दे। हाँ जल्दी जाए फिर। हाँ जाओ जाए थे। अब क्यों नहीं कहा? अरे जाते जात जा भी यार की एक बार की पेल जाब। ये जाओ बच्चा से कुछ काम करिए फिर। हाँ जाए थे ना, गयो बच्चा माल पानी। अरे जाए थी यार, भाई कहाँ गई यार? अरे ना जा पाओ तो लगे चले आओ, तो तीन हथौड़ा मारी सीधे हो जाओ चले जाओ। कहाँ जाए कहाँ कही थी हो? अरे जहाँ जाओ बच्चा तो। अरे हम अपने घरे जाए थे और कहा देखो साला कहा कह रहा कंचुआ, कहा थे कि कहा थे दो तीन हथौड़ा मार जाए चले जाओ। अरे बच्चा
हम तुमका तुम्हारे घर का कहे थे, हम दिल्ली के बड़े छोरो भेज दी जाओ, शर्मा जी के यहाँ गंगा कैसेट वाले जो है उनके यहाँ चले जाओ। अरे उनके यहाँ चले जाएगा अपन हड्डी तुराई जाएगा। आई जा, जा रही नहीं। बिटिया कंचन आओ घन चलाओ। कौन, क्या बात है? प्यासे हो? हाँ। बापू? हाँ बेटिया। कुछ मुसाफिर लोग आवाज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। मुसाफिर? हाँ। और प्यास? बेटी देखो बेटिया कंचन, किसी प्यासे को पानी पिलाना इससे अच्छा और कोई पुण्य नहीं होता। और फिर तुम तो जानती हो कि इस वीराने में, इस जंगल में दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है प्यासे भटकते हुए मुसाफिर यहाँ आ गए हैं, तो जाओ उन्हें पानी पिला दो। वो तो ठीक है बापू, लेकिन पानी इस वक्त है नहीं घर में। पानी नहीं है? नहीं है। तो एक काम करो बेटिया, बाल्टी ले लो और सीधा चले जाओ कुएं पर, एक बाल्टी पानी भर लेना और मुसाफिरों को पिला देना और एक बाल्टी लेते आना घर। ठीक है। और हाँ जरा होशियारी से जाना, देखना कहीं कोई चोर उचक्का ना हो और जल्दी वापस आना। बापू आप घबराइए मत, मैं जाऊंगी तो साथ में छुरी लेकर जाऊंगी। ठीक बिटिया, जाओ और जल्दी आ जाना। ठीक है। मुसाफिर वो जो सामने कुआं दिखाई पड़ रही है उसी कुएं पर चलो और मैं आ रही हूँ, पानी पिला देती हूँ। ठीक है बापू, मैं जा रही हूँ। ओ काका, लहराग बेटी वह कहाँ चली गई? आंधार आवे पर थौड़ा अंत्य न, निहाई कतौ अंत्य है, लोहा कतौ अंत्य। ओ काका। हाँ बच्चा। कुल्हड़वा पीट गा? अरे माल पानी बिटवा। हाँ आ गयो का? हाँ भले आ गयो बच्चा। कहे? अरे बच्चा आ गयो, और कुल्हड़वा तो नहीं बना हो? अरे पिटवा नहीं भरो। अरे बन तो जाते। हाँ। लेकिन बिटिया चली गई कुआ पर पानी भरे। हाँ। और कुछ मतलब समय लागी तो कहाँ बनाए पोमा खेले तो बन न पाई। और ठीक की हो आगे हो बच्चा, एक काम करते हो। कोई कोई काम करी? अरे काम का करी हो कहा तो है। मतलब कहा गया है कि तो एक टहल के दे। कौन टहला है बताओ जल्दी? बच्चा जो लोहा वोहा सब यहाँ रखा है ना। हाँ यही। हाँ एक का उठा के हमारे झोपड़ी में धर देते हो। अच्छा नहीं मान लियो तुम्हारी तरह के कौनो चोर उठाई ले जाए। कहो साले तुका हम चोर दिखाई था है? बच्चा माल पानी। हाँ? देखा बेटवा पहली बात तो हमका दिखाते नहीं ना, और फिर कहो के माथे में थोरो लिखा है कि वो चोर आ रहा है। बात सही है का। चलो अच्छा अंदर कर दे, चलो चलो झोपड़ी के अंदर ना। हाँ हाँ चलो आओ। हम एक ठूसा तुम्हारे हूल दिए। का पकड़ लई हो? अरे चाहे मार हाथ पकड़ लियो चाहे डंडवा पकड़ लियो, बिना सहारे कहाँ चल पाऊ मैं। हाँ बोला यार तो का दिखा तो नहीं बिना पकड़े चले न पाई है। चल अच्छा पकड़ ला, पकड़ा ला एक कला। हाँ पकड़ ले चला जा। चलिए चली चलो आई जाए आई जा। कहो ए कुआ कहाँ पे ले जा था? जब तुमका देखा में खाद नहीं तो ठीक नहीं हो तो गोड़े में लाठी चाप दियो गिर पर नकुना नकुना भरता हुई करा कि नहीं। तुम हो तो बेटवा यहाँ गोड़ लेके आवत हो? का लेके आई? मूड खा ली हम दिसलत चले आई हूँ।
चलो 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 भैया, अभी तक कोई पानी लेकर नहीं आया। अरे भैया कहीं तो रहा है कि वही कुआं पर चलो, हम आवत ही इतनी दूरी कुआं पर आ गए। चलो बैठ जाओ, कुछ देर और रख लीन जाए तो चला जाए ना। चलो ठीक है, कहीं नहीं तो उबे करी है। बैठ जाओ बैठो। अरे हुआ नहीं, ये बैठो ये बैठो। हाँ कुआं के लगे बैठो, जब ये तो उबे करी है यार। चल बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मुसाफिर बैठे हो? हाँ बैठे। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठे रहो, तब तक मैं कुएं से पानी भरती हूँ। अरे जब पानी पियाई हो तब तो मुतासी हो। कहा तुम मुतासी, तुम लोग बैठो। अरे बिना पिए मुतासी हो का? भैया इनके कहने का मतलब ये नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि मुसाफिर बैठो, मैं पानी भर कर ला रही हूँ। क्या हमका तुमका कहती मुसाफिर? हाँ। हमका ही कहती मुतासी। बैठो बैठो। ठीक है तुम लोग बैठ जाओ, मैं पानी भरती हूँ। पानी भर लिया है, चलो पानी पी लो। पियो। ए भैया बहुत जोर प्यासे। पियो 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 जल्दी जान बचाए। लेकिन पानी पीने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखो पहले तुम्हें पानी की जरूरत है, पानी पी लो, फिर उसके बाद जो चाहे पूछना मैं सब कुछ बतलाऊंगी। ठीक है चलिए पहले पानी पिला दीजिए। पानी नहीं पीते पहले बातचीत करिए। अब भाई पानी बिना मरे जाते रहे। पियो सब ने पियो, हम ओकरा है दियो। पीबा। तुम भी पीना चाहते हो? अरे पियब न का बच्ची मरब का। चलो ठीक है आओ लो पहले मुंह तो धो ले। क्या कहो? दिमाग खराब है कहे का? हमेशा उल्टा बोलता रहता है। कहे पहले मुंह धुल ले फिर उसके बाद पानी पिएंगे, ऐसे बोलते हैं। अरे तो वही तो कही थी कि पहले मुंह तो धो ले। यार माल पानी पहले मुंह धुल ले फिर बाद में पानी पिएंगे, ऐसे बोलते हैं। एक सारे के जमाने लड़बड़ा जाते। अरे जौन हुआ यार मरेगा नहीं ना। हम कहा दूसर कही तो कहे थे मुंह तो धोए ले तब तो पानी पी। एक कहा का मतलब है पहले मुंह धोए ले। राम हो पिए हैं?
अरे बाप रे, वही के एक बात है भैया। कौन सी बात? बात क्या है ना? क्या? अगर अगर मनई ना हो भाई तो पानी मर जाए। सही कह रहे हो, पानी मर जाए। पानी ना हो तो आदमी मर जाए। हाँ हाँ वही बात है। हम कहीं मनई ना हो तो पानी मर जाए। चल चलो पानी पी भाई ना। हाँ आओ चली चलो। अरे रुको तो सही। कहिए मुसाफिर, क्या पूछना चाहते थे, पूछिए। मैं आपको इस भी आबान जंगल में देखकर मैं बहुत उलझन में हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते, पूछिए। सुम के सुंदरी कौन हो, किसकी हो तुम धाय। सुमुख सुंदरी कौन हो, किसकी हो तुम धाय। अर किया बड़ा उपकार है, पानी मुझे पिला। कौन हूं? इसका मतलब आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? हाँ आपके बारे में जानना चाहता हूं। मैं सब कुछ बतलाऊंगी। और प्रीतम गढ़ी की नगरी है राजस्थान दरमियान। प्रीतम गढ़ी की नगर है राजस्थान दरमियान। मैं जाई राजपूत की सुनो लगा करी ध्यान। मैं जाई राजपूत की सुनो लगा करी ध्यान। आप प्रीतमगढ़ की रहने वाली हैं? हाँ मैं। और इस वक्त इस बियाबान जंगल में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सब कुछ बतलाऊंगी, बोलिए। प्रीतमगढ़ से इस बियाबान जंगल तक अरे कैसे आई यहाँ पर, कहो कामनी कैसे। कैसे आई यहाँ पर, कहो कामनी कौन मादर पिदर है तेरे नाजनी कौन। वेशभूषा देख करके कुछ समझ ना रहा, काम इतना सख्त तुमसे अरे कौन है करवा रहा। कोई हर लाया क्या तुमको मन भावनी कोई। कोई हर लाया क्या तुमको मन भावनी, कैसे आई यहाँ पर कहो कामनी कैसे। प्रीतमगढ़ से इस बियाबान जंगल तक कैसे आई हो? सुनिए, ये समझ लिए कि मेरे नसीब ने मुझे लाकर यहाँ तक पहुँचा दिया है।
और रहती हूँ इसी समय मैं, रहती हूँ इसी समय मैं, यही नौ जवान रहती हूँ इसी समय मैं। रहती हूँ इसी समय मैं, यही नौजवान पास में झोपड़ी सा है मेरा मकान, पास में झोपड़ी सा अंधे पिता की मैं सुता, कंचन हमारा नाम है, घन चलाना रात दिन राही हमारा काम है, और बदला तकदीर ने मेरा, बदला तकदीर ने मेरा, सारा जहां बदला तकदीर ने मेरा, बदला तकदीर ने मेरा, सारा जहां पास में झोपड़ी सा है मेरा मकान, पास में कंचन आप एक महलों में रहने वाली और एक झोपड़ी में रह रही हैं। हाँ। आपकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। तो प्यार बनकर हमारी रहो आज से, प्यार बनकर हमारी, रहो आज से जिंदगी सब तुम्हारी संवर जाएगी, रोज मिलता रहूंगा यही आए कर, नया वालिद की भी पार हो जाएगी, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं जान पाई कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, और आप मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। कंचन, मैं इस विजयनगर का युवराज परवीन हूँ। परवीन, कहाँ आप और कहाँ मैं, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, और मुझे आप अपने साथ रखने के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ कंचन। अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती? कसम खाओ कि मेरे सिवाय और को अपनी माहे लकाना बनाओगे तुम, मैं भी दूजे पर अपनी नजर ना करूं, ये प्रतिज्ञा उम्र भर निभाओगे तुम, प्यारी मेरी राज रानी तुम्ही को बनाऊंगा मैं, सिवा तेरे किसी पर नजर ना करूं, ता उम्र कर दी प्यारी निभाऊंगा मैं,
सर जी, अगर ये बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। और हाँ, एक बार प्यार से अपने गले से लगा लो, ताकि हमें यकीन हो जाए कि सच में आप मुझे चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 2 मिनट इनसे बातें करना चाहता हूँ। माल पानी इधर आओ, और बुलेट तुम भी इधर आओ। हाँ बताओ। ऐसा करो कि तुम दोनों राज महल चलो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम दोनों राजमहल चले? हाँ हाँ, महाराज है वहाँ, और तुम थोड़ी देर में आओगे? हाँ थोड़ी देर में। ठीक है भैया, जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्द आऊंगा। चले चल चल, बुलेट चलते हैं। कंचन। हाँ तो फिर देर किस बात की, आओ मेरे सीने से लग जाओ कंचन। प्यारे परदेसिया, इतना बता सजना तेरी कौन हूं मैं। प्यारे कि परदेसिया, इतना बता सजना परदेसिया, इतना बता सजना तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं, तेरी कौन हूँ मैं। मेरे रिश्तों में, मेरे रिश्तों में तेरे सासु की है डोरिया, मेरी जान है तू ये जान ले तू। जो ना तुझे देखूं ये दिल ना माने, जो ना तुझे देखूं ये, जो ना तुझे देखूं ये दिल ना माने, मिलने के बनाए क्या क्या बहाने। मैंने ना सोचा समझा न जाना, तेरे लिए दिल क्यों इतना दीवाना। मितवा 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 मितवा, तेरी प्रीति में जागूं जागूं, हो जाए मेरा मन बेकाबू।
मेरे ढोलना दुनिया से क्या बोलना, तेरी कौन हूँ मैं, मेरी जान है तू ये जान ले तू, तेरे लिए छोड़ी सारी खुदाई, तेरे लिए छोड़ी सारी खुदाई, तेरी होके हो गई मैं सबसे पराई, तेरी होके हो गई मैं सबसे दीवानी, इस मोड़ पे किसका है पहरा, दीवानी इस मोड़ पे किसका है पहरा, मिलने की घड़ी है पल भी है ठहरा, मितवा मितवा मितवा। आया जो मौसम सिंदूरी, मेहंदी रची हुई चाहत पूरी, जिंद मेरी रब से ये मैंने कहा, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान, प्यारे चलो अब हम लोग चलते हैं घर। कंचन हाँ, क्या तुम अकेली चली जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। ले चलूंगी तुम्हें, चलो मैं अकेली कहाँ जाने वाली हूँ, चलो फिर। सच में कि सजना तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में, हाँ तेरे प्यार में, कि सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे, ओ सजना तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए रे। सजनी तुझको देख कर, सजनी तुझको देख कर कितने कंवारे मर गए रे, कितने कंवारे मर गए रे, मर गए रे, मर गए रे, सजनी तुझको देख कर कितने कंवारे मर गए रे,